शिक्षा दिवस के एक दिन पूर्व आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और सांसद ने एक भव्य तिरंगा यात्रा उज्जैन शहर में निकाली है, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं व विभिन्न संगठन हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए। देश भर में आजादी का महोत्सव 15 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और जनता से हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा में हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, विभिन्न संगठन के युवा और कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा का शुभारम्भ उज्जैन के टावर चौराहे से किया। यात्रा में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया भव्य तिरंगा हाथ में लेकर सड़कों पर आजादी के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। वहीं स्कूली छात्र छात्राएं हाथ में तिरंगा झंडा लिए देशभक्ति के नारे लगाते रास्ते में चल रहे थे। कई युवा तो देशभक्ति गीत पर झूमते नजर आए। यात्रा का स्वागत शहर के विभिन्न मार्गो पर किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन सभागृह में किया गया। उज्जैन से मृदुभाषी प्रदेश के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।